अच्छा जी, आज हम करने जा रहे हैं करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस, ठीक है। तो ये कुछ सेंटेंसेस जो हैं वो आपके सामने जो हैं वो लिखे हुए हैं, तो इसको हमने ठीक करना है, ठीक है। अच्छा, ये टोटल कितने सेंटेंसेस हैं ये भी देख लें। ये आज किस लेक्चर में होंगे 20, यानी 20 जो सेंटेंसेस हैं इनको हम करेक्ट करेंगे। तो आपने इसके जो रूल्स हैं उनके ऊपर फोकस करना है, रूल्स को सीखना है। अच्छा, नंबर वन पे आ जी, नाइदर ऑफ दीज 10 बॉयज हैज फेल्ड, ठीक है। अच्छा, ये जो नाइदर है ना, नाइदर इसको कहा जाता है जी इंडेफिनिट प्रोनाउन, ये नेगेटिव के लिए इस्तेमाल होता है। अब यहाँ पे आप जरा थोड़ा सा गौर करें, यहाँ पे देखें, यहाँ पे 10 लिखा हुआ है, ठीक है। तो नाइदर जो है वो 10 के लिए तो इस्तेमाल हो ही नहीं, तो ये 2 के लिए इस्तेमाल हो सकता है, ठीक है। अब इसके 2 तरीके हैं। एक तो ये है कि आप 10 की जगह 2 लगा लें, वो भी सही है। दूसरा ये है कि 2 से ज्यादा के लिए, नेगेटिव के लिए जो इंडेफिनिट प्रोनाउन यूज होता है वो नाइदर नहीं होता, वो नन होता है, NONE। यानी नाइदर को आपने कट कर देना और इसकी जगह नन लेना है। नन ऑफ दीज 10 बॉयज हैज फेल्ड, ठीक है। और अगर आपने नाइदर ही रखना है, ठीक है, नाइदर ही रखना है, तो फिर आपने 10 की जगह फिर आप 2 कर लीजिएगा, ठीक है। नन ऑफ दीज 10 बॉयज हैज फेल्ड, या नाइदर ऑफ दीज 2 बॉयज हैज फेल्ड, ठीक है। इस तरह ये आपका सेंटेंस जो है ये करेक्ट हो जाएगा। नंबर 2, वी इंजॉयड एट द कॉन्सर्ट। जब भी आप इंजॉय लिखें तो इंजॉय से पहले वाला प्रोनाउन देखें, जो भी पहले वाला प्रोनाउन हो इंजॉय के बाद उसकी रिफ्लेक्सिव केस का आना जरूरी है, ठीक है ना। वी इंजॉयड, तो वी की जो रिफ्लेक्सिव केस है वो है जी आर सेल्व्स, OURSSELVES, आर सेल्व्स। वी इंजॉयड आर सेल्व्स एट द कॉन्सर्ट। कॉन्सर्ट कहते हैं महफिल मौसीकी को, ठीक है। अगर वी की जगह आई होता तो फिर होना था आई इंजॉयड माई सेल्फ, ठीक है। अगर ही होता तो ही इंजॉयड हिम सेल्फ, दे इंजॉयड देम सेल्फ, ठीक है। तो इस चीज का आपने ख्याल रखना है। इस तरह ये भी आपका सेंटेंस जो है ये ठीक हो जाएगा। नंबर 3 पे है जी, आई रीच्ड प्रायर देन हिम। देखिए, कुछ मैंने आपको जो एडजेक्टिव थे वो लिख कर बताए थे कि इनकी कंपैरेटिव डिग्री के बाद आपने देन नहीं लगाना, बल्कि आपने टू लगाना है। सीनियर है, जूनियर, इनफीरियर, ठीक है, सुपीरियर और प्रायर, PRIOR, प्रायर। दे आर फॉलोड बाई टू, नॉट देन। इनके बाद आपने देन नहीं लगाना बल्कि टू लगाना है। अच्छा, ये फिर कैसे हो जाएगा, आई रीच प्रायर देन को कट करें और यहाँ पे टू लगा लें। इस तरह ये सेंटेंस आपका ठीक हो जाएगा। अच्छा जी, नंबर 4 पे है जी, ही रिक्वेस्टेड मी टू स्टे लिटिल मोर। अच्छा, लिटिल का मीनिंग मैंने आपको बताया था, ये पहले भी एक इस तरह का एक सेंटेंस हमने किया था। लिटिल जो है ना वो मतलब है कि नहीं, नेगेटिव मीनिंग देता है, कुछ नहीं, ठीक है। आ लिटिल थोड़ा सा, दा लिटिल काफी ज्यादा, ठीक है। तो जब हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं कि थोड़ा सा ज्यादा रुक जाओ, तो फिर हम अगर लिटिल लगाएंगे तो लिटिल का मतलब है कि ना रुको। आ लिटिल जो है ना वो भी बहुत थोड़ा होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही रिक्वेस्टेड मी टू स्टे, बल्कि आ लिटिल ज्यादा बेहतर है, आ लिटिल मोर, लेकिन दा लिटिल मोर वो वैसे अच्छा नहीं लगेगा सेंटेंस के अंदर। आ लिटिल मोर कि थोड़ा सा मजीद रुक जाओ, ठीक है। अगर आप लिटिल लगाएंगे तो वो नेगेटिव मीनिंग, लिटिल इज इक्वल टू नन, ना होने के बराबर, ऐसी चीज जिसका कोई इस्तेमाल ही ना कर सकता हो, डेट इज लिटिल। आ लिटिल जो थोड़ी बहुत हम इस्तेमाल कर सकते हो, दा लिटिल वो सफिशियंट के मीनिंग में चली जाती है। अच्छा, इस तरह ये भी सेंटेंस आपका ठीक हो गया। नंबर 5 पे है जी, शी इज कुकिंग द मील फॉर 30 मिनट्स। अब ये जो सेंटेंस है, दिस बिलोंग टू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब ये हमें कैसे चला, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, ये हमें पता कैसे चला
ये पता चला है जी फॉर के इस्तेमाल से और टाइम स्पेसिफिकेशन के इस्तेमाल से। इस फिक्रे के अंदर फॉर भी लगा हुआ है और टाइम स्पेसिफिकेशन भी है, यानी जिस फिक्रे में सिंस और फॉर हो और उसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म जो आईएनजी फॉर्म यूज की गई हो, तो आप समझ जाए कि वो सेंटेंस जो है या तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का हो सकता है या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का हो सकता है। अब वो ये कैसे पता चले कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का है या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का है? अगर तो इज एम आर लगा हो, जैसे यहाँ पे है, अगर इज एम आर लगा हो तो आप समझ जाएगा कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का है। अगर यहाँ पे वाज वर लगा हो तो फिर आप समझ जाएगा ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का है, ठीक है। और ये कैसे पता चलेगा? ये टाइम स्पेसिफिकेशन, 30 मिनट्स, फॉर 30 मिनट्स, ठीक है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो थोड़े से और हैं, ठीक है। उसमें हम हैज बिन का इस्तेमाल करते हैं या हैव बिन का इस्तेमाल करते हैं। तो आपने इज को कट करना है, शी हैज बिन, शी हैज बिन, ठीक है। इसको कट करके इसकी जगह लिखना हैज बिन, शी हैज बिन कुकिंग द मील फॉर 30 मिनट्स। अब आपका ये सेंटेंस ठीक हो। अच्छा जी, नंबर सिक्स पे है, शी गोज देयर नेवर। तो ये जो नेवर है ये एंड पे नहीं आएगा, ये शी नेवर, यानी प्रोनाउन के फौरी बाद लगाए, शी नेवर, NEVER, नेवर। इसकी जो एक्चुअल प्लेसमेंट है वो प्रोनाउन के सून आफ्टर है, तो यहाँ पे आप इसको कट कर दें या फुल स्टॉप डाल दें, शी नेवर गोज देयर। ये इम्फेटिक सेंटेंस बन जाएगा कि वो कभी नहीं वहां पे जाती है, ठीक है। अच्छा, नंबर सेवन है जी, वी ऑल डिड नॉट गो। तो वी ऑल का कोई इस्तेमाल ही नहीं होता, ये होता है जी ऑल ऑफ अस का इस्तेमाल होता है। तो आपने वी को कट करके, बल्कि वी ऑल को कट कर दें, ऑल ऑफ अस, ऑल ऑफ अस, ये फिक्रे के शुरू में लिख दें, ऑल ऑफ अस डिड नॉट गो, ठीक है। इस तरह ये सेंटेंस आपका ठीक हो जाएगा। अच्छा जी, नंबर एट पे है जी, वन शुड नॉट वेस्ट हिज टाइम। अब ये जो वन है ना, ये वो मतलब ये नहीं है कि 1 2 3 4, 1 2, दिस वन हैज बिन यूज्ड एज अ प्रोनाउन, ये प्रोनाउन के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। मसलन वन, ये सब्जेक्टिव केस है, वंस ये पोजेसिव केस है, और वन ये ऑब्जेक्टिव केस है। मतलब कि जब जनरल बात करनी हो, देखना प्रोनाउन ही जो है ना वो जेंडर डिफाइन करता है मेल को, और प्रोनाउन शी जो है वो जेंडर डिफाइन करता है फीमेल का। लेकिन जब आपने ओवरऑल बात करनी हो जिसमें मेल और फीमेल का कोई डिस्क्रिमिनेशन ना करना हो, तो फिर आप वन का इस्तेमाल करते हैं। ये वन, दिस वन हैज बिन यूज्ड एज अ प्रोनाउन, वन इज फॉलोड बाय वंस, ठीक है। तो यहाँ पे हिज को कट करके वंस लिख दें, वंस, वन शुड नॉट वेस्ट वंस टाइम। ओके जी, नंबर नाइन पे है जी, दिस इज नॉट सच वेदर विच वॉज एक्सपेक्टेड। तो सच इज फॉलोड बाई एज, सच इज फॉलोड बाई एज, सच के बाद आपने एज इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो विच को आपने कट कर देने और इसकी जगह लिख दें एज, दिस इज नॉट सच वेदर एज वॉज एक्सपेक्टेड। तो इस तरह ये आपका सेंटेंस ठीक हो जाएगा। नंबर टेन पे है जी, यू नीड नॉट टू वरी, नॉट टू वरी, नीड के बाद कभी भी इन्फिनिटिव टू नहीं आएगा, लेकिन अंडरस्टूड होता है, यानी नीड के बाद, डेयर के बाद, ठीक है, रिक्वेस्ट के बाद, ये जो टू है उसका इस्तेमाल नहीं करते, ठीक है। तो आपने क्या करना है, ये टू जो है ना इसको आपने कट कर देना है, यू नीड नॉट वरी, ठीक है। इस तरह ये सेंटेंस आपका ठीक हो जाएगा। अच्छा जी, नंबर 11 है जी, ही इज मोर बेटर देन आई, मोर बेटर, ठीक है ना। अब बेटर पहले ही कंपेरेटिव डिग्री लगी हुई है, तो इसके साथ मोर का जो है ना वो इस्तेमाल जो है ना वो गलत है, लिहाजा मोर को आपने कट कर देना है, ही इज बेटर देन आई। तो ये आपका सेंटेंस ठीक हो जाएगा। नंबर 12, दिस बुक इज सुपीरियर देन डैट। अब सुपीरियर के बाद देन नहीं आएगा, बल्कि आपने टू लगा देना है, ये ऊपर रूल में डिफाइन कर चुका हूँ, ठीक है। इस तरह ये सेंटेंस भी आपका ठीक हो जाएगा। नंबर 13 पे है जी, वी हैड हैव नाइस टी। अब ये जो हैव नाइस टी है ना, ये एज अ वर्ब इस्तेमाल हुआ है,
हैव नाइस टी का मतलब है चाय पियो, जिस तरह हम कहते हैं ड्रिंक टी या टेक टी, ये उसी मीनिंग में आता हैव नाइस टी। ठीक है, अब जब ये एज अ वर्ब हम इस्तेमाल करते हैं तो रूल ये होता है कि हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है। ठीक है, तो आपने क्या करना है कि ये जो हैव है इसकी थर्ड फॉर्म लगा ले। हाँ, इसकी थर्ड फॉर्म जो है वो हैड है। ठीक है, वी हैड हैड नाइस टी। अब पढ़ने में या लिखने में थोड़ा सा अजीब लगेगा, लेकिन एक्चुअल इसकी करेक्शन जो है ना वो यही है। ठीक है, ये सेंटेंस आपका ठीक हो जाएगा। अच्छा जी, उसके बाद है जी आइदर ही और हिज ब्रदर आर एट फॉल्ट। आइदर जो है ये इंडेफिनिट प्रोनाउन है, ये मैं ऊपर आपको बयान कर चुका हूँ। आइदर, नाइदर, नन, ठीक है ना, ईच, एवरी, ये सारे इंडेफिनिट प्रोनाउन है। तो इंडेफिनिट प्रोनाउन जितने होते हैं वो सिंगल काउंट होते हैं, तो उनके साथ जो हेल्पिंग वर्ब भी लगेगा वो सिंगल लगेगा। आइदर ही और हिज ब्रदर इज, तो आर को आपने कट कर देना, यहाँ पे आपने इज लगा देना। आइदर ही और हिज ब्रदर इज एट फॉल्ट, इस तरह ये सेंटेंस आपका ठीक हो जाएगा। नंबर 15 पे है जी, व्हाट मेक्स यू टू लुक सो हैप्पी। मेक के बाद भी, जिस तरह आपने डेयर के बाद टू नहीं लगाना, रिक्वेस्ट के बाद टू नहीं लगाना, ठीक है, और नीड के बाद टू नहीं लगाना, इस तरह आपने मेक के बाद भी आपने टू नहीं लगाना। व्हाट मेक्स यू, इस टू को कट कर दे, व्हाट मेक्स यू लुक सो हैप्पी, ये आपका सेंटेंस जो है ये ठीक हो जाएगा। अच्छा जी, नंबर 16 पे है, बोथ नाजिया एज वेल एज नाजिश आर इंटेलिजेंस इंटेलिजेंट। ठीक है ना, अब ये देखें इसमें बोथ का और एज वेल एज का इस्तेमाल इकट्ठा कर दिया गया है, हालांकि ये कती गलत है। एक ही सेंटेंस के अंदर बोथ और एज वेल एज इकट्ठे नहीं आ सकते, या बोथ का इस्तेमाल कर लें या एज वेल एज का इस्तेमाल कर लें। ठीक है, अब अगर मैं एज वेल एज को काटता हूं तो ये कुछ ऐसे बन जाएगा, बोथ नाजिया, ठीक है, एज वेल एज को आप कर दें कट, ठीक है ना, और इसकी जगह लगा दें एंड, बोथ नाजिया एंड नाजिश आर इंटेलिजेंट, बोथ नाजिया एंड नाजिश आर इंटेलिजेंट, ये एज वेल एज का इस्तेमाल है, ये बोथ का इस्तेमाल है। अब अगर आपने एज वेल एज का इस्तेमाल करना है तो वो कुछ ऐसे बन जाएगा, नाजिया एज वेल एज नाजिश। अब इज लगेगा, क्योंकि हम जो एज वेल एज के एज से पहले वाला जो है ना प्रोनाउन, जो नाउन है, उसके मुताबिक हम जो है ना हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, तो वो सिंगल है, वो नाजिया है। ठीक है, नाजिया एज वेल एज नाजिश इज इंटेलिजेंट, INTELLIGENT। ठीक हो गया जी, नहीं जी, ये है एज वेल एज का इस्तेमाल, नाजिया एज वेल एज नाजिश इज इंटेलिजेंट, और बोथ का अगर इस्तेमाल करना है तो फिर बीच में आपको एंड एंड का सहारा लेना पड़ेगा, बोथ नाजिया एंड नाजिश आर इंटेलिजेंट। ठीक है, इस तरह ये सेंटेंस आपका ठीक हो जाएगा। अच्छा जी, नंबर 17 पे है, नाइदर अली नार नवीद, ये वही इस्तेमाल है नाइदर नार का, और ये इंडेफिनेट प्रोनाउन है, और इसके सारे हेल्पिंग वर्ब आपने सिंगल लगाना है। नाइदर अली नार नवीद, आर को कट करके आपने इज लगा देना है। ठीक है, नाइदर अली नार नवीद इज नोन टू मी। ठीक है, इस तरह ये सेंटेंस आपका ठीक हो जाएगा। नंबर 18 पे है जी, आई एम गेटिंग लेट फ्रॉम कॉलेज, कभी भी लेट फ्रॉम नहीं होता, ऑलवेज इट इज लेट फॉर। ठीक है, लेट फॉर ऑफिस, लेट फॉर स्कूल, लेट फॉर कॉलेज, तो फ्रॉम को कट करके आपने फॉर लगा देना है। सेकंड लास्ट है जी, यू शुड रिफ्रेन ऑफ डूइंग इवल। रिफ्रेन ऑफ होता ही नहीं है, रिफ्रेन फ्रॉम होता है। ठीक है, रिफ्रेन फ्रॉम डूइंग इवल, इस तरह ये सेंटेंस आपका ठीक हो जाएगा। अच्छा, लास्ट पे है जी, ही इज नो अदर बट अली। नो अदर के बाद बट नहीं आता बल्कि देन आता है, ये रूल है। ठीक है, ही इज नो अदर देन अली, वहां पे कोई और नहीं था सिवाय अली के, यानी कमरे में, ये कमरा जमात में सिर्फ अली बैठा हुआ था, कोई और नहीं था, ही इज नो अदर देन अली, तो इस तरह ये आपका सेंटेंस जो है ये ठीक हो जाएगा।